हाय गाइस, तो आज हम हैं, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज मैं बुलबुल के ब्लॉग की शुरुआत मैं कर रही हूँ, आप ही से हो रही है। तो आज हम बुलबुल को लेके जा रहे हैं थोड़ा मेकओवर कराने के लिए, आज इसका हेयर कट करा देते हैं, ठीक है। तो चल रहे हैं हम, ऑब्वियसली बात है आप सबको पता है हम कहाँ जाते हैं, और जो नहीं पता ना जूम जूम वर्ल्ड के सारे सब्सक्राइबर अपना आशियाना भी आओ, सब पता चल जाएगा। सही कह रही है, आपकी सब पता चल जाएगा। और क्या, और अब गर्मी बहुत है, बहुत बुरा हाल है। हम लास्ट डे हैं, में जा रहे हैं, इतनी गर्मी में जा रहे हैं, लेकिन फिर भी हम जा सक रहे हैं क्योंकि हम घर की सीधी सादी बच्चियाँ हैं ना, हमें मेकअप और इन सब चीज़ों का ज़्यादा शौक नहीं है। हाँ, हेयर कट हमें बहुत अच्छा लगता है, मेरे पास तो है नहीं बाल, तो मैं इसलिए इतना कटवाती नहीं हूँ, हेयर्स पर ले लेती हूँ, इसके पास है तो मैंने सोचा इसीलिए चलते हैं, इसके कटवा देते हैं। हाँ, तो बस मैं हेयर कट कराने जा रहा हूँ। आप लोग को पता, मैं जब भी दिल्ली आती हूँ हेयर कट कराती हूँ, और ज़्यादा बातें नहीं करेंगे क्योंकि हम लोग अभी गली में चल रहे हैं, तो लोग कहेंगे ये दोनों बहनें पागल हो गई हैं। तो फिर आपसे मिलते हैं बाद में, और बाद में डिटेलिंग में बात करते हैं। तो जी, एक खूबसूरत सी व्लॉग की शुरुआत हो चुकी है, और स्टार्टिंग आज की है अपी ने। तो मेरा व्लॉग्स बहुत अच्छा जाने वाला है आज का, तो इतना तो मुझे श्योर है। खैर, अब हम आ गए हैं भाई जी के ऑफिस, और भाई जी का ऑफिस है V3 स्मॉल में, काफ़ी सारे लोग जानते होंगे, जो नहीं जानते वो जान ले। तो यहीं पर भाई जी जॉब करते हैं, क्या जॉब प्रोफाइल है, कहाँ जॉब करते हैं, आगे चल के आपको सब दिख जाएगा। अच्छा, यहाँ ये जो V3 स्मॉल है ना, ये मैंने पहले मतलब पहले देखा हुआ है, अंदर कभी नहीं गई, बाहर से ही देखा हुआ है, बट हाँ मैं इस एरिया को जानती थी। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, मैंने कंप्यूटर कोर्स, लैंग्वेज कोर्स सब लक्ष्मी नगर प्रीत विहार से ही किया है, तो ये उसी साइड पड़ता है। तो पहले का जो था ना, सारा जो लुक था, जो एरिया था, सब डिफरेंट था। अभी आप भी मुझे बताते ना ना कि ये V3 स्मॉल है, तो सच में बता रही हूँ कि मैं कभी ना पहचान पाती कि ये V3 स्मॉल है। बिल्कुल चेंज, बिल्कुल आउटलुक, इनर लुक, सब इनर लुक तो चलो मैंने इतना नहीं देखा था, लेकिन आउटलुक सब बिल्कुल डिफरेंट हो गया है, एरिया बिल्कुल डिफरेंट हो गया है। मेट्रो के चक्कर में बाहर का भी सब 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 चेंज हो गया। तो मैं यही बोलती हूँ कि अभी मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे मैं पेरिस में आ गई। तो यहाँ पर अभी मजाक कर रही हैं, और इनसे बोल रही हैं चेकिंग वाली से कि इसके पास बॉम्बे से पकड़ दो। तो हम लोग इसी तरह से मस्ती मजाक करते रहते हैं। आप लोग को पता है रानी शीना की जोड़ी है, जब भी कहीं बाहर निकलती है तो धमाल ही करती है। तो बस मैं आपको इस तरह से मॉल दिखा रही थी कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था। अच्छा, मुझे ना एक बार समझ में नहीं आती, काफ़ी सारे लोग घूमने भी जाते हैं मॉल, मुझे नहीं समझ में आता। देखो, सबकी अपनी अपनी पसंद होती है, बट मुझे नहीं समझ में आता कि मॉल में घूमने आते हैं, क्योंकि मॉल में क्या होता है ना कि बैठने वगैरह का कोई सीटिंग अरेंजमेंट नहीं होता, बंदा थक ही जाता है। हाँ चलो, कोई काम है, शॉपिंग है, कुछ भी है तो समझ में आता है, बट सिर्फ घूमने तो शायद मुझे तो नहीं समझ में आता। ऐसे मुझे बहुत सारी चीज़ें समझ में नहीं आती क्योंकि मैं किसी का समझ ही नहीं आती। भैया सही बोलते हैं, मैं पागल ही रहूँगी। यहाँ पर बस भाई जी के पास पहुँच चुके हैं, और अब आपको देख के सारी कहानी समझ में आ गई होगी। भाई जी हैं हेयर ड्रेसर, तो हाँ, तो मैं ये बता रही थी पूरी बात मेरी कंप्लीट हो जाए। भाई जी मल्टीटास्किंग में है एक्चुअली, हेयर ड्रेसर भी हैं, और वो कहते हैं ना, क्या कहते हैं, मैं फिर देखो फिर मैं नाम भूल गई, नेल आर्टिस्ट भी हैं। तो हाँ, ये मैं भूल गई थी, चलो ठीक है। अब यहाँ पर भाई जी कर रहे हैं मेरा सारा मतलब जो हेयर्स का जो स्पा होता है ना, हालांकि मैं मना कर रही थी कि क्यों इतना परेशान ही हो रहे हो, सिर्फ मैं हेयर कट कराने आई हूँ, मुझे हेयर कट कर दूँ, यहाँ मुझे बालों में थोड़ा दर्द भी हो रहा है। तो भाई जी ने कहा चुपचाप बैठी रहे। तो बस यहाँ पर हमारा अच्छे वाला ट्रीटमेंट चल रहा है, और बहुत 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 ज़्यादा अच्छा लग रहा है। मतलब जिनके मेरे पास कमेंट यही आया था कि भाई जी एक बहुत अच्छे जीवन साथी हैं, और भाई जी बहुत अच्छे हैं। तो हाँ, आप ये हमेशा यही बोलती है कि भाई जी बहुत अच्छे जीवन साथी हैं, और हमारे भाई जी कैसे हैं मैं उस लिहाज से आपको बता सकती हूँ कि हाँ भाई जी बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। इसलिए नहीं कि मेरी कटिंग करा रहे, तो आप सोचेंगे अब जब उन्हीं के बारे में, उन्हीं के अराउंड में सब बातें हो रही हैं, तो फिर मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। हालांकि मैंने पहले भी कई वीडियोज़ में आप लोगों के साथ शेयर किया हुआ है। तो यहाँ पर इसी मॉल में आपको पता है मैकडी भी है, डोमिनोज़ भी है, इतने तमाम आइटम है, वो सब मैं आपको लास्ट में दिखाऊंगी। अभी तो हम जल्दी से फटाका से आ गए थे क्योंकि हम लोग ऑलरेडी लेट निकले थे, आप लोगों ने देख लिया था, शाम हो रही थी, अचानक प्रोग्राम बना। अच्छा, अचानक प्रोग्राम क्यों बना वो भी मैं बता देती हूँ। मैं आज जो था डे 4 था, मतलब भाभी को गए हुए 3 हो गए थे, डे 4 था, भाभी को आना था, तो मैं सुबह सारा काम वगैरह करके, खाना पीना सब करके, और फिर भाभी आ गए थे, मैं शाम के टाइम फिर मैं यहाँ आई हूँ। इसका भी रीज़न ये है क्योंकि मुझे जाना है अब कल घर। जी हाँ, मुझे कल घर जाना है। आप लोग के बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि आप घर कब जाओगे कब जाओगे, तो मुझे जाना है कल घर, कल हमारे मियाँ जी हमें लेने आ रहे हैं। तो बस जल्दी जल्दी मैंने कहा अब ये काम रह गया, हालाँकि 2-3 काम और थे, बट वो थोड़ा स्किप हो गए, फिर वो नहीं हो पाए क्योंकि इतना टाइम नहीं था ना, तो फिर इस वजह से अब यही काम हो पाया। और
ये ज़्यादा ज़रूरी भी था क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबे बाल ना मुझसे कैरी भी नहीं होते। तो फिर अब यहाँ पर मेरा हेयर कट शुरू हो गया है, तो अब आप थोड़ी देर में मेरा जो लुक होगा बिल्कुल चेंज होता हुआ नज़र आएगा, और आप लोगों को मुझे ज़रूर बताना है कि मेरा लुक आपको कैसा लग रहा है। तो जो मेरा हेयर कट कर रहे हैं वो दूसरे हेयर ड्रेसर ना, क्योंकि मैंने भाई जी से बोल दिया था मुझे और भी अच्छा हेयर कट चाहिए। टारा, तो जी मेरा कट हो चुका है और ये मुझे बहुत ज़्यादा असम लग रहा है। अच्छा, मैं मतलब ओरिजिनल वॉइस रखती लेकिन पीछे से ना मॉल में म्यूज़िक चल रहा था तो उस वजह से मुझे वॉइस हटानी पड़ी अपनी। तो बस यहाँ पर मैं इशारों से यही बता रही हूँ कि मुझे बहुत ज़्यादा ये हेयर स्टाइल अच्छा लग रहा था। और ये है मतलब फेदर कट, जो आगे से फेदर होता है ना उस टाइप में। मुझे ना इस बार अपनी लेंथ कम नहीं करानी थी तो इसलिए मैंने ये वाला कट लिया था, तो मेरी लेंथ जितनी थी उतनी की उतनी रही। बस ये कि बाल थोड़े से हल्के हो गए क्योंकि मुझे ना काफ़ी भारीपन लगता है इन बालों से, तो बस अब हल्के हो गए और थोड़ा सा लुक भी चेंज हो गया ना, तो वो मुझे तो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। आप लोगों को कमेंट करके बताना है कि ये लुक मुझ पर किस तरह से लग रहा है। हाँ, जो मेरे पीछे हैं भैया, इन्होंने मेरा हेयर कट किया, मैं अभी दिखा दूँगी आपको। तो ये अब क्योंकि लेट बहुत हो गई थी, 9 बजे थे तो बस अब ये घर जा रहे थे, तो मैं इनको बोल रही थी भैया एक मिनट आके आप दिखा दो खुद को। तो भैया ये हाय कर रहे थे और कह रहे थे शादी पार्टी के ऑर्डर यहाँ पर बुक किए जाते हैं कॉल में। चुप हो गई। अरे कोई टॉपिक नहीं मिल रहा था यार। चलो आपका ये गोगो जी, आपका वो हो गया टेढ़ा, इनका ये टेढ़ा हो गया। तानिशीना का साथ छूट जाएगा कैसे। तो जी हमारी कटिंग भी हो चुकी है और अब हम लोग को लेट भी हो रहा था, तो बस अब हम लोग भी घर के लिए निकल रहे हैं। एक्चुअली भाई जी वहाँ पर सभी कुछ देखते हैं, तो भाई जी सारा मतलब ऑफिस बंद बंद करके फिर भाई जी को ही आना होता है, तो लास्ट में भाई जी रह गए थे। तो बस अब हम लोग निकले हैं, अब टाइम हो रहा था शायद 9:30 या 9:45 के करीब टाइम हो रहा था। तो बस अभी हम लोग निकलते निकलते भाई जी को फिर अचानक कुछ दिख गया और उन्हें याद आ गई। उन्हें ये देखा था कि वो ना हमेशा एक रोल लेकर आते हैं, एग रोल वगैरह जो आजकल चल रहे हैं, और वो बहुत ज़्यादा यम्मी होता है। तो उनको एकदम से याद आ गया कि तुझे यहाँ का एग रोल पसंद है ना, तो खा ले। मैंने कहा भाई जी मैंने खा लिया ऑलरेडी, बर्गर और कोल्ड ड्रिंक मैं कितना खाऊंगी। तो उन्होंने कहा नहीं, तो फिर यही तो हो रहा है, फिर और हो क्या रहा है, मैं दोबारा से मोटी हो रही हूँ, ये इन्हीं लोगों के कारण है। तो यहाँ पर ये रॉकिंग रोल्स करके है, बिल्कुल कॉर्नर की शॉप, आप लोग देख सकते हैं ये बहुत ज़्यादा अमेजिंग रोल्स बनाते हैं। तो भाई जी पूछे कौन से खाएगी, पनीर खाएगी, ये खाएगी, वो खाएगी। मैंने कहा मैं जस्ट एग रोल खाऊंगी, बस मैं और अपनी दोनों ही एक ही शेयर करेंगे क्योंकि ऑलरेडी पेट बहुत भर चुका था। तो वो भी हम यहाँ नहीं खाएंगे, हम ऑर्डर दे देंगे अभी। भाई जी बस पेमेंट करके ना भाई जी चले जाएंगे क्योंकि भाई जी को निकालनी है अपनी गाड़ी, अपनी बाइक, उसमें थोड़ा टाइम लग जाता है और यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा था। तो हम लोगों ने फिर यही बोला कि भाई जी आप चले जाओ और जब तक हम वेट कर लेते हैं। तो अच्छा, आज आप लोगों ने व्लॉग में भाई जी और बाजी की बॉन्डिंग और भी ज़्यादा देखी, माशाल्लाह से बहुत अच्छी बॉन्डिंग है और कभी नज़र न लगे। अच्छा, हमारे ख़ानदान में तो बस यही कहा जाता है कि हस्बैंड हो तो आसिफ जैसा है, तो माशाल्लाह से हमारे भाई जी बहुत अच्छे हैं। और सिर्फ एक हस्बैंड ही अच्छे नहीं है, वो जीजू भी बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, हर रिश्ता बखूबी निभाते हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह कभी नज़र न लगे। तो यहाँ पर ना इनके पास काफ़ी सारे कोल्ड ड्रिंक वगैरह भी थे और लेकिन हम लोगों ने कुछ भी ट्राई नहीं किया। आप लोगों को पता ही है कि ऑलरेडी पेट भरा हुआ था, ये तो बस ज़बरदस्ती भाई जी का प्यार कि नहीं अब तो कल चली जाएगी, खा खा खा, मतलब भरे पेट में भी खा 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 लगाई हुई थी। तो बस हमने ना फिर इनसे प्लेट ले ली थी क्योंकि अब हम खाएंगे ऑटो में। अच्छा, मेरे पास एक कमेंट आया था, उसमें ये लिखा था कि जहाँ जाती हो
क्या करती हो, जहाँ जाती हो मौसम बदल देती हो या कुछ बड़ा अच्छा करके था। मैंने लास्ट वीडियो को जो कमेंट्स है ना उसमें पिन भी किया हुआ है, तो मुझे वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट और बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, लेकिन किसने किया था ना मैं वो भूल गई। चलो कोई बात नहीं, तो अब यहाँ पर भाई जी भी आ चुके हैं, तो भाई जी जाएंगे बाइक पर और मैं और अपी जाएंगे ऑटो पर, क्योंकि ऑटो में ही आई थी ऑब्वियसली बात है, तो हम ऑटो में जाएंगे। बाइक पर तो रानीशी ना दोनों आ नहीं सकती है ना, तो बस यहाँ से हम लोग घर निकलेंगे। और अभी मैं व्लॉग का एंड नहीं कर रही क्योंकि अभी तो घर जाके भी दिखाना है ना, घर वालों को सरप्राइज़ भी देना है और मुझे बहुत सारे काम करने हैं। अभी मैंने कोई पैकिंग नहीं की, कुछ भी नहीं किया, बस इनका फ़ोन आ गया था कि कल मैं आ रहा हूँ, तो फिर अब ज़्यादा मना भी नहीं कर सकती क्योंकि मैंने आप लोगों के साथ पता नहीं शेयर किया था नहीं किया था, बीच में भी वो दो बार कह चुके हैं कि बस मैं कल आ रहा हूँ और मैंने मना कर दिया था, तो अब ज़्यादा मना करना ठीक नहीं होगा, तो बस इसलिए जाना। तो जी बस अब खाना पीना सब हो चुका है और आप देख सकते हैं कि मैंने अच्छा खासा वज़न फिर से गेन किया है। अच्छा, मेरे सारे सब्सक्राइबर मुझसे ये पूछे थे कि डाइट प्लान बताओ डाइट प्लान बताओ, और मैं यहाँ बैठी हूँ सारी डाइट वाइट सब छोड़ के, और फिर मैंने कू भी खाया और कू भी मज़े किए। खैर ये भी यादें रह जाएंगी, अब पता नहीं कब फिर जाना होगा। आप लोग को पता है मैं उतना ज़्यादा मायके नहीं जाती हूँ, बहुत कम ही से मेरा होता है, कोई शादी ब्याह अगर पड़ गई तो फिर वो देखा जाएगा, तब भी उतना ज़्यादा रहने के लिए तो मैं नहीं जा पाऊँगी, तो बस इसीलिए। और आज हमारी चल रही है फेयरवेल नाइट। फेयरवेल नाइट मतलब आप लोगों को पता है नाइट में हम कुछ ना कुछ ज़रूर रोज़ खाते हैं, कभी पापा ले आते हैं, कभी भाई जी, और कई बार मैनाज भी कुछ ना कुछ ऑर्डर करके मंगवाती है, तो आज की जो फेयरवेल है ये पापा की तरफ से है, पापा ने ऐसे मंगाई थी। मैनाज ने हम लोग गए हुए थे ना कटिंग के लिए, तो मैनाज ने पापा को पहले ही बोल दिया था कि आज बाजी का लास्ट नाइट है, कल बाजी चली जाएंगे, तो बस यहाँ पर ये पिस्ता केसर पिस्ता आइसक्रीम है, तो मैं यही निकाल रही हूँ। एक्चुअली सब 12:30 बज गए हैं, सब अपने अपने रूम में सेटल हो गए हैं, तो बच्चों को ला के ओनी तेजीब को और भाभी के लिए मैं उनके रूम में भिजवा दूंगी। आप लोगों को पता है हम इसी तरह से करते हैं और इसकी रीज़न भी मैं आपको कई बार बता चुकी हूँ, आप लोगों को वैलिड लगे तो ठीक, नहीं लगे तो आपकी मर्ज़ी है, जो रीज़न है मैं आपको बता चुकी हूँ। अच्छा, उसके बाद इनायत तो जो अफू हैं और अपी, तो उन लोगों के लिए भाई जी के लिए सब के लिए मैं रख दूँगी, वो लोग कल खा लेंगे दिन में खा लेंगे, अभी तो मैं क्योंकि उन लोगों को जगाना भी ठीक नहीं रहेगा, भले ही ना सो रहे हूँ लेकिन 12:30 भी तो बज रहे ना, तो फिर अब जाओ क्या पता सो भी गए हो तो उनका दरवाज़ा खटखटाओ तो अच्छा नहीं लगता। अच्छा एक चीज़ बताती हूँ, इस पर ना हमेशा लिखा होता है बाय वन गेट वन फ्री, ये सब बेवकूफ़ाना बातें हैं, ये दोनों के पैसे लेते हैं पता है, तो ये इसमें आप बिल्कुल ना आए इनकी बातों में कि बाय वन और गेट वन फ्री है, तो ये दोनों आइसक्रीम जो है ये 260 रुपये की समथिंग कुछ ऐसे पड़ती है, तो वो दोनों के ही पैसे ले लेते हैं, बस लिख के रखते हैं ताकि लोग बहुत ज़्यादा खुश हो जाएँ। तो खैर बस सब कुछ बहुत अच्छा रहा। अच्छा अच्छे रहा से याद आया कि मैं आप लोगों से काफ़ी ब्लॉग्स में ये शेयर कर रही हूँ, इवन मैं जब से दिल्ली आई हूँ तब से मैं ये शेयर कर रही हूँ कि एक बहुत अच्छा सरप्राइज़ है, बहुत अच्छा सरप्राइज़ है। तो मेरी एक बहुत ही प्यारी सी बहन अज़रा सईद नाम है उनका, उन्होंने जो गेस किया है ना, वो जो गेस लिस्ट दिया वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई। उन्होंने मुझे 4 ऑप्शन दिए थे, मैंने आप लोगों से पूछा था कि सरप्राइज़ क्या हो सकता है, तो उन्होंने मुझे 4 ऑप्शन दिए कि अभी या तो आपके सासी वाले घर की रेलिंग बन गई है, या वो सरप्राइज़ हो सकता है जो आपने दिल्ली जाते ही बताया था कि आप प्लान करने वाली थी लेकिन वो आप सासी में ही भूल गई तो अब वो नहीं हो पाएगा, शायद वो मुकम्मल हो गया होगा, और या फिर आप मीट एंड ग्रीट रखें या फिर आपके भैया आ गए। तो मैं आपको बता देती हूँ कि हाँ आपने बिल्कुल सही गेस किया, इन चारों ये चारों ही बातें हुई थी, लेकिन इसमें जो सेकंड वाला है ना, जो सरप्राइज़ में सासनी भूल गई थी और जिसके ऊपर मुझे काम करना था, वो मैंने आपके जीजू से मंगवा लिया था और वो काम अब पूरा हो चुका है, और वो सरप्राइज़ इतना अच्छा है कि आप उसे इतना प्यार करती हैं, इतने ध्यान से मेरे ब्लॉग्स देखती हैं, तो वो सरप्राइज़ देख के ना आप उछल पड़ेंगी। तो जी हाँ, वो इतना बेहतरीन सरप्राइज़ होने वाला है, मैंने भी बड़ी मुश्किल से किया है वो काम। तो चलिए, ये पूरा एक महीना और पता नहीं कितने दिन बड़े ही प्यार से गुजर गए हैं, और आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो ढेर सारा लाइक कर लेना। अल्लाह हाफिज़।